हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज फ्रैक्शंस। सबसे पहले समझते हैं फ्रैक्शन क्या होते हैं। ओके, सो फ्रैक्शन का मतलब है द नंबर ऑफ द फॉर्म वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। जब नंबर जो हमें दिया हुआ है वो इस फॉर्म में हो जहाँ ए और बी नेचुरल नंबर में हो। ठीक, हेयर ए इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड बी इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। जो ऊपर नंबर होगा वो न्यूमरेटर और जो नीचे होगा वो डिनोमिनेटर। इतना तो आप लोग अच्छे से समझते हैं, है ना? क्लास 1 से ही जब फ्रैक्शंस पढ़ाए जाते हैं तो ये क्लियर है। जो ऊपर नंबर होता है लाइन के वो न्यूमरेटर और जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर। ठीक है, नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज पर बेस्ड है। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि जो शेडेड पोर्शन है उनके लिए फ्रैक्शन लिखना है। इट मीन्स कौन सा फ्रैक्शन शो हो रहा है शेडेड पोर्शन से, वो हमें लिखना है। सो फर्स्ट में 4 पार्ट्स हैं, उसमें से 3 शेडेड हैं, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट इज 4 पार्ट्स एंड 1 इज शेडेड, सो 1/4। 1, 2, 3 पार्ट्स आर देयर, 2 आर शेडेड, सो 2/3। नाउ नेक्स्ट वन इज 1, 2, 3, 4, 5 to 10। 10 टोटल 10 पार्ट्स आर देयर एंड 3 आर शेडेड, सो द फ्रैक्शन इज 3/10। एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 पार्ट्स आर देयर एंड 1, 2, 3, 4 पार्ट्स आर शेडेड, सो 4/9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 पार्ट्स एंड 3 आर शेडेड, सो द फ्रैक्शन इज 3/8। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये क्लास 1 के लेवल का क्वेश्चन है, तो इसके इसमें तो और कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, शेड 4/9 ऑफ द गिवन फिगर। ये जो फिगर दी हुई है इसमें 4/9 शेड करके हमें दिखाना है। सो 9 पार्ट्स आर देयर, 4 वी हैव टू शेड, एनी 4 पार्ट्स वी कैन शेड, 1, 2, and 3, 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर इफ वी से दैट द शेडेड रीजन इज 1/4, देन आइडेंटिफाई द एरर इन इट। अगर इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो फिगर दी हुई है इसमें 1/4 शेडेड है, तो इसमें क्या एरर है, क्या मिस्टेक है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि 4 में से एक पार्ट शेडेड तो है, बट जो 4 पार्ट्स हैं वो इक्वल नहीं है। ओके, ये चारों पार्ट जो हैं वो इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस फिगर का 1/4 पार्ट शेडेड नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो यहाँ पर फ्रैक्शन नेम दिए हुए हैं इनके हमें इनके लिए फ्रैक्शन लिखना है। सो 3/4 मीन्स 3/4, 2/5 मीन्स 2/5, 1/8 means 1/8, 8/9 means 8/9, दोनों तरह से बोल सकते हैं, 4/7 4/7, 3/9 3/9, 5/6 5/6, and 7/12 7/12. Okay, now question number 5, write down the numerator and denominator of each of the fraction given below. इनमें से कौन सा numerator and कौन सा denominator है? So numerator is 4 and denominator is 9. Numerator is 6, denominator is 11. Okay, numerator is 8 and denominator is 15. Very simple. Numerator is 12, denominator is 17. And last one, 5/1.
numerator is 5 and denominator is 1. Okay, now write down the fraction in which. अब हमें इनके लिए फ्रैक्शन लिखना है. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमें यहाँ बताया है. ओके, सो फर्स्ट वन के लिए, फर्स्ट वन में न्यूमरेटर दिया है हमें 3 एंड डिनोमिनेटर दिया है 8. सो क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट, न्यूमरेटर इज 3, डिनोमिनेटर इज 8, सो द फ्रैक्शन इज 3/8. सेकेंड पार्ट, न्यूमरेटर इज 5, डिनोमिनेटर इज 12, सो द फ्रैक्शन इज 5/12. ओके, थर्ड पार्ट, न्यूमरेटर इज 7, डिनोमिनेटर इज 16, सो द फ्रैक्शन इज 7/16. एंड फोर्थ पार्ट, न्यूमरेटर इज 8, डिनोमिनेटर इज 12, सो द फ्रैक्शन इज 8/12. नाउ राइट डाउन द फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. इनके लिए हमें फ्रैक्शनल नंबर लिखना है. इसके मतलब 2/3 को हमें वर्ड्स में लिखना है. सो क्वेश्चन नंबर 7, सो फर्स्ट वन इज 2/3, सो 2/3. 4/9, 2/5, 7/10, 1/3, 9/14. 5/11, and 6/15. Okay, now question number 8. What fraction is an hour is 24 minutes? 24 minutes 1 hour ka kaun sa fraction hoga? So bahut simple hai. क्वेश्चन नंबर 8, 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes. नाउ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 24/60. 24 minutes, 60 minutes का या 1 hour का कौन सा फ्रैक्शन है? तो टोटल 60 मिनट्स 1 hour में होते हैं. तो 60 डिनोमिनेटर हो जाएगा, 24 न्यूमरेटर, एंड द फ्रैक्शन इज 24/60. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 2 to 10? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 2 to 10? 2 से लेकर 10 तक कितने नेचुरल नंबर्स हैं? एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स? और जो प्राइम नंबर्स हैं वो क्या फ्रैक्शन बनाते हैं? यानी प्राइम नेचुरल नंबर्स और प्राइम नंबर्स का क्या फ्रैक्शन बनेगा? सो क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 9 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 10. 2 से लेके 10 तक 9 नेचुरल नंबर्स हैं एंड 4 प्राइम नंबर्स. द रिक्वायर्ड
fraction is 4/9. ओके, आज हमने क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट किया. नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.